आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इफेक्टिव होम रेमेडी के बारे में, जो कि आपके अंदर पीरियड्स से संबंधित जितने भी प्रॉब्लम है उसको ठीक करने में बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। जी हाँ, आज की ये जो वीडियो है वो हमने अपने फीमेल व्यूअर्स के लिए बनाई है। अगर आपको पीरियड्स की कोई भी प्रॉब्लम्स है, चाहे आपको मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स है, चाहे आपको इरेगुलर पीरियड्स की शिकायत रहती है, चाहे आपको ब्लीडिंग इश्यू या ब्लीडिंग कम या ज़्यादा होती है, या फिर आपको पीएमएस होता है, तो इन सभी चीज़ों को आप इस अकेली होम रेमेडी से आप उसे दूर कर सकती हैं और उसके सिम्टम्स को दूर कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इस बहुत ही इफेक्टिव और बहुत ही आसान बनाने में इस होम रेमेडी के बारे में। दोस्तों, एज ए फीमेल आपके साइकिल का या मेंस्ट्रुअल साइकिल का सही रहना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आपके पीरियड्स में कोई भी प्रॉब्लम्स आती है तो उसका इफेक्ट आपकी पूरी की पूरी बॉडी के ऊपर देखने को मिलता है। अलग अलग लेडीज़ में अलग अलग तरह के प्रॉब्लम्स एंड सिम्टम्स आ सकते हैं। कुछ के अंदर क्या होते हैं कि मेंस्ट्रुएशन के दौरान पेट में दर्द होता है, क्रैम्प्स होता है, ये दर्द आपके लोअर एब्डोमेन में होता है, पेट के निचले हिस्से में। कुछ के अंदर क्या होता है कि पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, कभी समय से पहले होने लगते हैं, कभी समय के बाद होने लगते हैं, और ये जो साइकिल है इस तरह से डिस्टर्ब रहती है। कुछ के अंदर ब्लीडिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, यानी कि कभी ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है और कभी बहुत कम हो जाती है। तो ये कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा कॉमनली देखी जाती हैं लेडीज़ में। इनफैक्ट 99% लेडीज़ में कभी ना कभी इस तरह की प्रॉब्लम से फेस करती ही हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस तरह की प्रॉब्लम्स आपके अंदर होती क्यों हैं। सबसे मेन और सबसे बड़ा कारण है इस तरह के प्रॉब्लम्स के पैदा होने का, वो है आपके अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस का। लेडीज़ के अंदर बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो कि काम करते रहते हैं और इन्हीं की वजह से आपके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती रहती है। अगर इन हार्मोन्स के अंदर कोई भी उतार चढ़ाव आता है, डिस्टर्बेंस आ जाता है, तो उसकी वजह से आपके अंदर अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अब ये हार्मोनल इम्बैलेंस आपकी अंदर आपके पूरी लाइफ स्टाइल की वजह से हो सकता है, या फिर आपके बुरे डाइटरी हैबिट्स की वजह से हो सकता है, या फिर स्ट्रेस की वजह से भी हो सकता है, या कई बार कुछ मेडिसिन के खाने से भी ये हो सकता है। लेकिन कारण कोई भी हो, इनको ठीक किया जा सकता है, इन हार्मोन्स को बैलेंस भी किया जा सकता है, और नेचर ने हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें दी हैं जो कि इस काम में हमारी मदद कर सकती हैं, और ये सारी चीज़ें हमारे आसपास ही मौजूद होती हैं, सिर्फ हमें इनके बारे में पता नहीं होता है। तो आज जो मैं होम रेमेडी आपको बताने वाला हूँ वो इसी तरह की कुछ बहुत ही कॉमन सी चीज़ों से हमने बनाई है, जो कि आपके घर में, आपके किचन में ही अवेलेबल है, और ये आपको बहुत ही तेज़ी के साथ इस तरह की मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम को ठीक करने में मदद करेगी। इस होम रेमेडी को बनाने के लिए आपको बेसिकली चार चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। पहली चीज़ जो है वो है अदरक, दूसरी अजवाइन, तीसरी सौंफ, और चौथी चीज़ है हल्दी। ये चारों ही चीज़ें, यानी कि अदरक, अजवाइन, हल्दी और सौंफ, ये पुराने समय से ही लेडीज इस्तेमाल करते आई हैं अपने अंदर मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए। बहुत सारे रिसर्चेस इस पे हो चुकी हैं कि ये आपके बॉडी के अंदर हार्मोन्स को बैलेंस करती है, आपके पीरियड्स को रेगुलेट करती हैं, और आपके अंदर पीरियड के दौरान क्रैम्प्स होते हैं, पेट में दर्द होते हैं, उसको भी कम करने की ताकत रखती हैं, और आपकी ओवरऑल जो मेंस्ट्रुअल हेल्थ को ये इम्प्रूव करती हैं। दोस्तों, ये चारों चीज़ें भी जो हैं इनको आप अलग अलग इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी जो है वो अलग अलग है और ये सब फायदा करती है। लेकिन अगर आप इस खास तरीके से इस फॉर्मूले में जैसे हम इस्तेमाल करेंगे, अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो उससे आपको जो रिजल्ट्स मिलेंगे वो और भी बेहतर मिलेंगे। तो चलिए अब बात करते हैं कि इस फॉर्मूले को, इस नुस्खे को कैसे बनाना है। लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए अब बताते हैं कि इस नुस्खे को बनाना कैसे है। तो दोस्तों, इस नुस्खे को बनाने के लिए आपको एक गिलास पानी लेना है, और इस एक गिलास पानी को आप एक
बर्तन में डाल करके उबालने के लिए गैस पे रख देना है। और जब ये पानी उबलने लगे तो जब पानी उबलने लगे तो उसमें एक चम्मच ग्रेटेड जिंजर डालना है, अच्छे से उसको ग्रेट करके। और उसके बाद से एक चम्मच डालना है अजवाइन, एक चम्मच डालना है सौंफ और आधा चम्मच डालना है हल्दी पाउडर। ये अजवाइन और सौंफ जो आप इसमें डाल रहे हैं, इसको आप पहले थोड़ा सा खरल में कूट लें, उसके बाद यूज करें तो ज़्यादा अच्छे इफेक्ट आपको मिलेंगे। इन सभी चीज़ों को डाल के आप उबाल दीजिए, अच्छे से उबालिए, और तब तक उबालिए जब तक कि यह पानी आधा से थोड़ा सा कम न रह जाए। जब यह पानी आपका आधे से कम हो जाए तब आप इसको छान लीजिए और एक ग्लास के अंदर इस ड्रिंक को निकाल लीजिए। इस ड्रिंक को आप हल्का हल्का गर्म, बहुत तेज नहीं लेकिन हल्का हल्का गर्म ही रहे, तो रात को सोते समय आप इसका इस्तेमाल करिए। अगर आपके पीरियड्स डिले हो गए हैं, यानी पीरियड्स जो हैं वो रुक गए हैं, आ नहीं रहे हैं, उस केस में आप 3 या 4 दिन तक आप इसको रेगुलरली इस्तेमाल करिए, या तब तक इस्तेमाल करिए जब तक कि आपके पीरियड्स ना आने शुरू हो जाएं। मैक्सिमम 5 दिन तक आप इस ड्रिंक को एक टाइम तक इस्तेमाल करिए। अगर 5 दिन तक आपके पीरियड्स नहीं आते हैं तो उस केस में आप अपने डॉक्टर से मिल लीजिए, और आपको अपना जो भी वो टेस्ट रिकमेंड करती हूँ कराने चाहिए। अगर आपके पीरियड्स में इरेगुलरिटी रहती है, कभी मान लीजिए जल्दी, या फिर ब्लीडिंग जो है कभी ज़्यादा हो जाए या कभी कम हो जाए, या मेंस्ट्रुअल क्रैम्प हो, तो उस केस में आप इस ड्रिंक को रेगुलर 3 महीने तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इस चीज़ को 5 दिन तक रेगुलर इस्तेमाल करते हैं तो उस केस में आपको इसकी जो डोज है वो कम करनी पड़ेगी, यानी जो चीज़ें आपने इसमें एक एक चम्मच डाली थी उसको आधा चम्मच करना होगा, और जो चीज़ें आपने इसमें आधा चम्मच डाला था उसको 1/4 करना होगा। तो इस तरह से अगर आप इस नुस्खे को बना करके रेगुलरली भी इस्तेमाल करते हैं तो उस केस में भी आपको बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिलेगा और आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, ये था हमारा नुस्खा, और अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लग रही है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को